दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप खुद से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम screener.in ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा। मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी इसमें लॉगिन है, तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक टूल्स का सेक्शन दिखाई देगा जहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन, ये ऑप्शन है जहाँ पे आपको अगेन क्लिक करना है। तो अब इस क्वेरी बॉक्स में हम अपनी क्वेरी टाइप करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि हम लेंगे यहाँ पे 1000 से ऊपर। तो चलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, अब हम यहां से लेते हैं दूसरा फैक्टर। तो अब हम यहां पे प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे। पिछले 5 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ 10 से ऊपर होनी चाहिए, तो ये हमने टाइप कर दिया है। वैसे आप चाहें तो 10 की जगह 15 भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अब हम सेल्स ग्रोथ भी ले लेते हैं, सेल्स होगा तभी प्रॉफिट होगा। तो पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ कम से कम 10% होनी चाहिए। अगेन आप चाहें तो इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं, वैसे कम से कम 10% तो होनी ही चाहिए। आप चाहें तो इसको 15% कर सकते हैं। तो ये क्वेरी टाइप करने के बाद हमें क्लिक करना है इस ऑप्शन पे, रन दिस क्वेरी पे। तो आपके सामने अभी 276 टोटल स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि हमारी इन क्वेरी पे खरे उतरते हैं, यानी कि जो भी कंडीशन हमने लगाई है उन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि ये सारे स्टॉक 1000 से ऊपर की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले हैं, साथ ही साथ पिछले 5 सालों में इनका सेल्स और प्रॉफिट दोनों 10% से ऊपर रहा है। तो अब हम इसमें कुछ और भी कंडीशन लगा देते हैं, क्योंकि हम एक साथ 276 स्टॉक्स में निवेश नहीं कर सकते, तो हम इनमें से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम अपने क्वेरी बॉक्स में फिर से आएंगे। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एवरेज ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगेन 5 साल का लेंगे और पिछले 5 साल का जो ROCE है, यानी कि उसका एवरेज जो है वो कम से कम 15 होना चाहिए। अब रन दिस क्वेरी पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे पास 170 कंपनियां आ गई हैं जो कि हमारी इस क्वेरी को सेटिस्फाई करती हैं। हमने वो सारी कंपनियां हटा दी हैं जिनका ROCE 15 से कम है। तो अब वापस से अपने क्वेरी सेक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पे एक दो पैरामीटर और लगा देते हैं, क्योंकि हमें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे डेट टू इक्विटी एक ऐसा रेशियो है जो कि दिखाता है कि कंपनी पे उधारी कितनी है। तो हम डेट टू इक्विटी यहाँ पे 1 से कम की करेंगे, सो दैट हमें ऐसी कंपनियाँ मिलें जिसपे कम से कम उधारी हो। तो जैसा कि अब आप देख सकते हो कि अब हमारे पास 170 में से 155 कंपनियाँ बची, यानी कि वो सारी कंपनियाँ जिनके ऊपर ज़्यादा उधारी थी वो सारी की सारी कंपनियाँ हमने इस लिस्ट से हटा दी हैं। सो अब हम वापस से चलते हैं अपने क्वेरी बॉक्स में। तो अब हम यहाँ पे अपना अगला फिल्टर लगाएंगे जो कि है एवरेज ROE का, यानी कि एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 5 सालों की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 15 होनी चाहिए। साथ ही हम यहाँ पे एक और फिल्टर लगाएंगे जिसको बोलते हैं प्रमोटर होल्डिंग। हमको सिर्फ उन शेयर की लिस्ट चाहिए जिनकी प्रमोटर होल्डिंग 35% के ऊपर की हो। तो अब ये सारी कंडीशन डाल के हम अपनी क्वेरी को फिर से रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट फिर से फिल्टर आउट हो गया है। तो अभी भी हमारे पास स्टॉक्स की एक लंबी लिस्ट है, तो हम इसमें से थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे। हम पिछले 5 साल की प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ दोनों को 10 से 15 कर देंगे, यानी कि पिछले 5 सालों में जिनकी ग्रोथ और जिनकी सेल्स 15 के ऊपर होगी, अब हम सिर्फ वही कंपनियां एनालाइज करेंगे। साथ ही ROCE और ROE को भी 15 से 20 कर देंगे। तो हमने अपनी कंडीशन डाल के क्वेरी को रन कर दिया है और आप जैसा कि आप देख सकते हो अब हमारे पास सिर्फ 39 कंपनियां ऐसी बची हैं जो कि हमारी ये सारी कंडीशन को फुलफिल करती हैं। तो आप चाहो तो इस क्वेरी को सेव भी कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ गुड फंडामेंटल स्टॉक्स, और इस क्वेरी को आप पब्लिक या प्राइवेट दोनों रख सकते हैं। मैंने इसको पब्लिक कर दिया है,
और अपनी इस क्वेरी को मैं सेव भी कर देता हूँ। ओके, तो डिस्क्रिप्शन भी मांग रहा है, तो मैं ये क्वेरी को ही डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और अब ये क्वेरी को सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे की बात हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।